बाकी दो बॉल्स अपनी प्रैक्टिस के लिए, ये एल्बो प्रोटेक्टर, एल्बो गार्ड हो गया, एक मयंक ने मंगवाया था एब्डोमिनल गार्ड, एक मेरा है, बाकी सपोर्टर हो गया, कैप हो गया। फिर एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 12 फरवरी 2021, मैं हूँ अभी गुड़गांव में। आज ही मैंने ना एक व्लॉग अपलोड किया है जो की के था मेरा मैकबुक का, तो उसमें ना एक दो कमेंट्स आ रहे थे कि आप इतने प्राइजेस क्यों बताते हो, दूसरे व्लॉगर्स तो वो नहीं बताते, आप शो ऑफ करते हो, ये वो ये वो। तो मैं देखो यार एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था ना उस टाइम पे मेरा कॉन्टेंट आपको पता ही है क्या था, ट्रैवल व्लॉगिंग से रिलेटेड था, और ट्रैवल व्लॉगिंग भी वो वाली की जिसमें आप बजट में कैसे ट्रैवल कर सकते हो। तो शुरू से ना मुझे आदत है प्राइजेस बोलने की, प्लस में मैं जो प्राइजेस बोलता हूँ ना वो आपके लिए ही बोलता हूँ कि आप लोगों को पता चले, और मुझे पता है मेरी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस चाहती है कि मैं एक एक चीज के प्राइजेस बताया करूँ ताकि उनको भी मदद हो, या उनको कभी कुछ खरीदना हो तो पता हो, उनको भी नॉलेज हो उस चीज की कि ये चीज कितने की आती है। बाकी अगर कमेंट सेक्शन में बता दो यार, ज्यादा लोग कहेंगे नहीं बताना प्राइजेस तो फिर सोचेंगे, बट अभी के लिए तो प्राइजेस बताया ही करूंगा। और आज के व्लॉग में तो स्पेशली क्योंकि आज मैं खरीदने जा रहा हूँ भाई क्रिकेट से रिलेटेड सामान, एकदम से क्रिकेट का कीड़ा कहाँ से जागा वो सब बताता हूँ, पर पहले मुझे घर जाना है, शाम के 5 बज गए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और मम्मी को मैं पिछले 1 घंटे से कह रहा हूँ कि आ रहा हूँ खाना खाने, तो लड़ेगी मम्मी, फटाफट जाए। शुरू से पूरी स्टोरी बताता हूँ, तो कॉलेज लाइफ से पहले मतलब कि मेरा जो स्कूल लाइफ थी उस टाइम तक भाई मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था, स्कूल में भी खेला करता था, मैंने उससे पहले एकेडमी भी ज्वाइन कर रखी थी, प्लस दोस्तों के साथ खेलता था वो तो अलग, और वो कोस्को की बॉल वाला नहीं, प्रॉपर किट वेट खरीद रखी थी, बैट भी है, बैट तो मेरा यहीं पड़ा होगा घर पे, ये रहा बैट अपना, तो मेरे पास था ये देखो SM का इंग्लिश विलो बैट, उस टाइम कुछ 3,500-4,000 का मैंने ये बैट खरीदा था, बहुत मस्त बैट है, इसको बैट को मेरे ख्याल 5 साल हो चुके हैं, तो मेरे पास पूरी किट विट थी, सब कुछ था, हेलमेट पैड ग्लव्स, बट वो किट मैंने मतलब बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो एक दोस्त को दी थी, क्योंकि मैंने स्कूल लाइफ के बाद ना क्रिकेट खेलना बंद सा ही कर दिया था, कॉलेज जब से जाने लगा था, तो मेरा दोस्त मांग रहा था खेलने के लिए, मैंने उसको दे दी, और वो आज तक भाई वापिस ही नहीं आई, और उस दोस्त का नंबर मेरे पास अब है नहीं, वो पता नहीं कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो इसलिए लेना ही पड़ेगा नया सामान पूरा। मम्मी कितना खेला करता था क्या पहले मैं क्रिकेट, बहुत है ना, हर सैटरडे संडे तो मैच होते ही थे, बाकी स्कूल में भी कितना, एक बार तो लड़ मर के मैंने बैट लिया था घर से, है याद है। शुरू से मैंने जिस शॉप से लिया ना सामान वहीं से जाके लूंगा, देखते भैया पहचानेंगे भी या नहीं, 5 साल बाद जा रहा हूँ आज। कैसे भैया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भैया पहचान लेंगे इतने टाइम बाद, नहीं नहीं मैंने तेरे को 2-3 दिन पहले ही व्लॉग देखा था। अच्छा हाँ, मतलब व्लॉग देखते हैं मेरे, मैं शायद से 4 साल बाद आया हूँ यहाँ पर, काफी टाइम हो गया, लेकिन मैंने तेरी आइडेंटिटी है ना जो व्लॉग देखता हूँ उसकी वजह से की, तो और लेटेस्ट वाला जो पेनियर फिटिंग कराई थी ना जो मोटर बाइक की, और जो गाड़ी खरीदने जा रहा था मैं, समझा रेंज रोवर की बात कर रहा था ना। नहीं नहीं वो तो लेनी है कभी फिर लेंगे, रेंज रोवर का टाइम अगर मेहनत से करते रहोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो रेंज रोवर क्या उससे बड़ी गाड़ी भी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सामान सारा मिल चुका है, बैट मेरे पास ऑलरेडी था, बाकी सब कुछ लेना था, सिर्फ पैड नहीं मिला लेफ्टी के अभी मेरे को। पैड का ऐसा है कि इनका जो स्टाइल है खेलने का, दे इज द लेफ्टी, एंड लेफ्टी का कई बार क्या होता है कि सामान कम भी हो जाता है और सेल भी कम होता है, ये भी है, तो देखते हैं आप, तो कोशिश करते हैं, आज का टाइम तो निकल गया, कल कंपनी में फोन करके कोशिश करेंगे कि आपको ये पैड बाइक कोरियर मंगा के दे दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो सैटरडे और संडे का जो आपका गेम होगा उसमें मिल जाए, तो उसमें आप कल काम चलाना पड़ेगा, हाँ, किसी तरीके से आप इसको कॉम्प्रोमाइज्ड गेम खेलिए इसके साथ। चलो करते हैं, बाकी सामान देख लो ये सब लिया है फटाफट से, SG के इकोलाइट, ये मैं पहले यूज करता था 4 साल पहले, अभी तक ये मॉडल आ रहा है, मतलब उस टाइम से ना, SG इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया, एंड डेफिनेटली दे डिजर्व इट की कंप्लेंट्स भी नहीं है, एंड देयर कस्टमर सपोर्ट इज आल्सो वेरी गुड, अगर आपको कोई कंप्लेंट्स आती हैं फर्दर आगे कभी फ्यूचर में तो दे लिसन इट, एंड एज सून एज वो आपकी कंप्लेंट्स को दूर भी करते हैं वो। बाकी दो बॉल्स अपनी प्रैक्टिस के लिए, ये एल्बो प्रोटेक्टर, एल्बो गार्ड हो गया, एक मयंक ने मंगवाया था एब्डोमिनल गार्ड, एक मेरा है, बाकी सपोर्टर हो गया, कैप हो गया, ड्रेस भी मेरी गायब हो चुकी है, पता नहीं इतने साल से मैंने पहनी नहीं क्योंकि, और वैसे भी छोटी हो गई होगी, बाकी थाई पैड मैं यूज़ करता नहीं बट मैंने ले लिया कि कभी ज़रूरत पड़ जाए, और ये बैग लिया है, बैग मुझे स्टार्टिंग से ही व्हील वाला लेना था, बट उस टाइम पर जब हम खेला करते थे तब तो इतने पैसे हुआ नहीं करते थे, घर वाले जितनी चीज़ दिलवा दे। बाइक की इनकम एक साइड इनकम है ना, जो ये यूट्यूब पे व्लॉग्स डालता है ना, साथ में जो कंपनीज जो इनको स्पॉन्सर करती है उनकी हेल्प भी हो रही है, हाँ बस वही है बस,
क्रिकेट ब्रांड्स भी आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया है उसके। अरे क्रिकेट तो हर इंडियंस के ब्लड में दौड़ता है क्रिकेट तो, और खेलना भी चाहिए। हाँ सही बात है, चार साल नहीं खेले बट अब फिर से आ रहा है। बिल्कुल हेलमेट रह गया था, ये लिया एसजी का ही, तो पूरी किट लगभग एसजी की हो गई है। पैड्स भी भैया टेस्ट मंगवाओगे? एसजी टेस्ट का मंगाएंगे, लेफ्टी पैड और एक पिक्चर इसमें भी चाहिए पूरी ड्रेस सबके साथ। अच्छा, जो पैड आ जाएंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ ही अपलोड करना ये वीडियो, बिल्कुल उससे पहले नहीं है। बिल्कुल, तो अगला जब मैच है ना अगले सैटरडे, उस जब तक भैया कह रहे कि आ जाएंगे पैड्स, तो बिल्कुल पूरा रेडी होगा, एक या दो दिन में दे देंगे, बाइक कोरियर मंगा लेंगे। तो कल का थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट टाइम आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होगी। बाकी स्पाइक्स वहाँ अलाउड नहीं है तो वो मैं ले नहीं सकता, उन्होंने मना किया साफ कि मत पहन के आना। पैड्स भी भाई मिली गए एसएस के, पीछे रखे हुए हैं लेकिन कहीं और से मिले हैं। ये कौन सी है भैया? कोई खलजीत स्पोर्ट्स है, सुखराली में पड़ती है। ठीक है यार, अब कल मैच के लिए काम चली जाएगा, बाकी मैं एसजी के टेस्ट सीरीज जरूर मंगवाऊंगा, ग्लव्स भी और पैड्स भी, क्योंकि भाई वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, पता नहीं भाई गूगल मैप कौन से रास्ते से लाया, पूरा ऑफ रोड है, पिछले 8 किलोमीटर से तो ऑफ रोडिंग ही करे जा रहा हूँ मैं। जाना मुझे है भाई रोहिणी, रोहिणी में ग्राउंड है, वहां पर हमारा मैच है। सुबह रिपोर्टिंग थी मैच में, मतलब ग्राउंड पे रिपोर्टिंग थी 8 बजे की, कि 8:30 या 9 बजे तक मैच शुरू हो जाएगा। भाई साहब मेरा फोन रात को पता नहीं कब स्विच ऑफ हो गया, मुझे पता नहीं चला, ना तो अलार्म बजा ना मैं उनका फोन बजा, और मैं उठाऊँ कुछ 9:15 बजे शायद से। उठते ही मैं फटाफट निकला, कुछ नहीं करा भाई मैंने कुछ भी, बस ड्रेस पहनी, किट बैग उठाया, बैग में सामान में मतलब गाड़ी में सामान धरा और निकल लिया। अब 9:40 हो रहे हैं और यहाँ से अभी 20 मिनट का और रास्ता दिखा रहा है, जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ। वैसे मेरी बात हो गई है उनसे, वो कह रहे हैं कि अभी ग्राउंड में वैसे भी ओस है तो इसलिए थोड़ा लेट ही शुरू करेंगे। मैंने कहा अच्छा है यार, क्योंकि मेरा बहुत मन था, आपको पता है किट विट खरीद के लाया था, अगर ये मैच मिस हो जाता तो बुरा लगता मुझे और वैसे भी पोपट हो जाता। शिट यार, पेट्रोल भी अभी खाली होना था, मतलब वो कहते हैं ना एक बंदा लेट हो रहा हो पहले ही और लेट होने वाली चीज़ें होती रहती है, भरवाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें लिमिट तो वैसे दिखा रहा है 44 किलोमीटर की, बट मुझे लगता है कि अगर ये नहीं चली ना 44 और रास्ते में बंद हो गई तो मैच तो जाएगा ही जाएगा हाथ से, साथ में गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से आएगा वो कुछ नहीं पता मुझे, तो उससे अच्छा पेट्रोल पंप ढूंढ के फटाफट डलवा ही लेता हूँ, 5 मिनट ही वेस्ट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फुल ही करवा लेता हूँ एक ही बारी में, क्या बार बार करना है ना, 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं भाई फुल होने में। 50 लीटर की टंकी है और आज इसकी एवरेज भी पता चल जाएगी कितने की दे रही है। टोटल 46 लीटर पेट्रोल भरा है और 464 किलोमीटर चली है, यानी मोटा मोटा 10 पॉइंट कुछ की एवरेज दी है इस गाड़ी ने, और वो भी ये पूरी सिटी में चली है, करोल बाग हो गया अपना, दिल्ली में शहरों में, गुड़गांव शहरों में, हाईवे तो बहुत कम चलाए मैंने इससे, तो मेरे हिसाब से सिटी में 10 का ठीक है और हो सकता है आगे जाके बढ़े, क्योंकि इस टाइम पे मैंने स्पोर्ट्स मोड पे भी भगाई है, मैंने इको मोड पे भी चलाई है, कंफर्ट मोड पे भी चलाई है, तो डिफरेंट डिफरेंट वो था। बाकी आपको क्या लगता है 10 की एवरेज कैसी है? पेट्रोल टर्बो है मेरी, DCT 1.4 SX ऑप्शनल। चलो जी फिर कोई नहीं, अब ज़्यादा दूर नहीं है वैसे भी ग्राउंड यहाँ से। फाइनली पहुँच गया हूँ ग्राउंड में, फटाफट से चलते हैं, मैच शुरू हो चुका है, बहुत लेट हो गया मैं, मैच तो हुआ है बड़ा शुरू, बॉलिंग कर रही है हमारी टीम, मयंक ही कर रहा है बॉल, वो देखो काफ़ी ज़्यादा फोग हो रही है अभी भी। ये रहा मयंक, बॉलिंग अपनी हो चुकी है, 195 का टारगेट मिला है। यार 4 साल के बाद प्रॉपर किट पहन के पूरा बैटिंग करी थी, ज़्यादा रन नहीं मार पाया, कुछ 8 रन थे मेरे, एक बाउंड्री थी, दो एक डबल था और 2 सिंगल थे मेरे, और उसके बाद मैं LBW हो गया, जैसे कि आपने ड्रोन शॉट में देखा जो मयंक ले रहा था। मयंक जाता हुआ, मयंक बैट में तेरी तरक्की होगी। तूने सोचना कि तुझे हमने सेकंड राउंड भेजा है? हाँ ये बस सोची आखिरी भेजा है। ओए होए ए लगा मार मयंक, नहीं भाई भाई अगर आप देखिए सिलेक्टर देख रहे हैं आपको।
बहुत बढ़िया सही मारा इसने तो बढ़िया लड़के भाई देखते देखते भाई शॉट सही था ओले मैच खत्म हो गया है क्या स्कोर से आ रहे हैं टीम से गए लास्ट गया था भाई क्या 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 बोल रहे नोट आउट आया नोट आउट नोट आउट आया कितने रन से आ रहे हैं राउंड अच्छा था आज का बट ये नाइट मैच के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं भी लाइट्स वाइट्स नहीं लगी हुई है ये एक कैंटीन थी यहाँ पे खाने पीने का भी है तो दिक्कत नहीं हुई कुछ भी हमें ऑमलेट मैगी वगैरह सब मिल गई थी गाड़ी देखो यहाँ से भी ठुकी है मुझे पता ही नहीं चला कब ठुकी बट अगेन पीपीएफ ने बचा लिया गाड़ी का पेंट डाउन फिलहाल तो मैं मयंक के साथ जा रहा हूँ पहले उसका घर क्योंकि वो रोहिणी में ही रहता है उसने पीसी देना अपना और वो पीसी अपना बेचना चाहता है तो वो कह रहा है तू लेकर चला जा और स्टोर पे रख दियो अपने ताकि कोई लेना होगा किसी को तो वहीं से ले लेगा वो खड़ा मयंक पेमेंट क्लियर कर रहा है बची हुई वहां पे जितने रुपए भी देने थे कैंटीन वालों के तो भाई फटाफट से मैं पहले शॉर्ट में बताता हूँ क्या हुआ सुबह की रिपोर्टिंग जल्दी की थी बट लेट हो गए और मैं लेट हो गया वैसे भी मैच लेट ही स्टार्ट हुआ क्योंकि ओस काफी ज्यादा थी और जब मैच शुरू हुआ ना मतलब साढ़े नौ कितने बजे शुरू हुआ दस बजे शुरू हुआ दस बजे मैच शुरू हुआ उस टाइम पे भी पिच पे बहुत ओस थी शुरू में बॉलिंग कर रहे थे तो पैर फिसल रहे थे बुरी तरह से मैंने सिर्फ एक ही ओवर डाला वो भी 18वां ओवर मिला था मैंने एक ओवर में दिए थे 4 रन और विकेट कोई भी नहीं ली शुरू में इतनी ज्यादा बॉल गीली हो रही थी ना उसकी वजह से मेरा पहला ओवर बहुत अच्छा गया था बस लाइन की थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि 1.5 साल के बाद मैं बॉलिंग कर रहा था तो शुरू में 2 बॉल वाइड गई उसके बाद मैंने अच्छी बॉलिंग डाली एक भी चौका नहीं गया और 3-4 रन गए थे पहले ओवर में मतलब 2 वाइड के लगा लो 3-4 वो लगा लो 6 रन गए थे पहले ओवर में दूसरे ओवर में काफी पिटाई हो गई क्योंकि बॉल एकदम गीली हो चुकी थी पैर एकदम स्लिप हो रहा था स्पाइक्स इनके अलाउड नहीं थे यहाँ पे ग्राउंड पे पैर स्लिप होने की मेन दिक्कत सबसे कितनी घास डाल लो वहाँ पे लेकिन पैर स्लिप हो रहा था उसकी वजह से मेरा क्रैम्प आया तो मैंने अपनी फील्ड हटा के अनमोल को बुलाया मैंने कहा तू आ जा फील्ड पे क्योंकि मेरे पैर में क्रैम्प आ रखा था और उसके बाद बैटिंग में हमने 194 रन खाए और 195 का टारगेट मिला था अगर शुरू के अगर हमारे ओवर नहीं पिटते मेरा ओवर नहीं पिटता जो दूसरा ओवर था और एक और जो अंशुल फेंक रहा था उसकी भी काफी पिटाई हुई शुरू में वो सिर्फ इसी वजह से हुई क्योंकि बॉल पुरानी थी टप्पा पड़ नहीं रहा था सी कभी फुल टॉस हो रही थी कभी नीचे लेकिन मेरा टप्पा पड़ रहा था लेकिन वो बॉल स्किड हो रही थी तो स्किड की वजह से उसने बहुत मारा लेफ्ट साइड में फिर हमारी बैटिंग शुरू हुई शुरू के 5-6 ओवर अच्छे थे क्या नाम था उनका जो मार रहे थे अजय भाई ने काफी 76 रन बनाए काफी अच्छा स्कोरिंग किया तगड़ा खेल रहे थे फिर उसके बाद मेरी बैटिंग आई मैं 2 डाउन गया मैंने 4 बॉल खेली जिसमें से 1 चौका और 2 सिंगल 8 रन नहीं थे 6 रन थे मैंने अभी चेक करा क्योंकि यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड ऐप में रिकॉर्डेड होता है आप देख सकते हो जब भी हमेशा और अब रेगुलर खेलेंगे बाकी मैच हम हार गए कुछ 30 रन से हार गए 31 रन से 31 रन वो 31 रन वो शुरू के ओवर गए थे अगर वो शुरू के ओवर के हमारे ओवर थ्रो के भी बहुत गए थे फालतू के रन बहुत फील्डिंग अच्छी नहीं थी ये चलो कोई नहीं अब मयंक कहीं पे ले जा रहा है अच्छी सी जगह खाने के लिए खा के इसका पीसी लेके फिर गुड़गांव जाऊंगा और मेरा सब्सक्राइब कर दो चैनल बोल दे करो भाई करो इसके दो कितने 20,000 20 से 2,000 कर दो 2,000 कर दो सीधा रात के 8:30 हो गए हैं और मेरी हालत बुरी तरह से खराब है कह सकते हो पूरी बॉडी भाई साहब दर्द कर रही है एक एक ज्वाइंट अब तो बस ये है कि सो जाऊं नींद आ रही है और मेरा भांजा पार्थ भी आज यहीं पे आया हुआ है हेलो बोलो सबको जब भी पार्थ आता है ना ब्रूनो उसके पीछे पड़ा रहता है ये देखो तो अब सोने का हो गया है प्लान अब से रेगुलर क्रिकेट खेला जाएगा सैटरडे संडे को तो अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रिकेट ब्लॉग्स देखने में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना चलो जी मैं जाता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका बोल दो बाय